नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं खबर तहलका। आज हमारी टीम पहुंची है सुविधा की सब्जी मंडी में, जहां क्रमवीर सैनी लोगों के सामने डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं वोट के लिए। हम उनसे जानेंगे उनकी भी वो हरियाणा में कौन कितनी सीटों से कांग्रेस सरकार को विजय देखना चाहते हैं। चलेंगे सीधे क्रमवीर सैनी जी के पास। पार्टी का कांग्रेस साहब के द्वार जो है वो कार्यक्रम चलाया हुआ है। हमने एक दर्जन के करीब जो है गांव में डोर टू डोर किया है और आज हमने सब्जी मंडी का दौरा शुरू किया है, ताकि सभी आढ़तियों से मिलकर के कांग्रेस पार्टी के समर्थन का हम प्रार्थना करें, अनुरोध करें। जिस तरीके से गांव में काफ़ी समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, इसी तरीके से आज सब्जी मंडी में भी हम कई आढ़तियों से मिल रहे हैं, पूरा समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी को देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है जीएसटी और नोटबंदी की वजह से पूरी तरह से व्यापार धराशायी हो चुका है, तो जिस तरीके राष्ट्रभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लोगों के साथ एक छलावा सा हुआ है, अब लोग धीरे धीरे जो है पटड़ी पर वापस आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ समर्थन बढ़ा रहे हैं। व्यापारी वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता, क्या फिर से उसको साधने की कोशिश की जा रही है? इसमें कोई दो राय नहीं, हम सबको अवगत करा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आपका भला कर सकती है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने इनको अच्छा माहौल दिया व्यापार करने के लिए और कभी भी किसी व्यापारी को तंग नहीं किया है। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर के है बीजेपी व्यापारियों पर अत्याचार कर रही है, शोषण कर रही है, उनको व्यापार को ठप करने का काम कर रही है। तो इसलिए आज 80% जो है दुकानदार पूरे इफेक्टिव हैं, प्रभावित हैं और उनका धंधा चौपट हो चुका है। कौन कौन सी समस्याएं व्यापारियों ने, आढ़तियों ने आपके सामने रखी हैं जिन पर वो काम चाहते हैं? सबसे बड़ा तो जीएसटी का मसला है, जिसमें व्यापारियों को यही नहीं पता चल रहा है क्योंकि कितना परसेंट जीएसटी लगना चाहिए। हर व्यापारी के हाथ बांध दिए हैं, सीए के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, किसी को ज्ञान नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए जीएसटी और नोटबंदी से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, विधानसभा के लिए क्या एजेंडा है व्यापारियों के लिए? कांग्रेस पार्टी जो है ना एक मुश्त जीएसटी लगाएगी, ताकि किसी को ये ना भ्रम की स्थिति पैदा ना हो कितना परसेंट जीएसटी है। दूसरा, इनको कानून व्यवस्था जो है पूरी बना के देगी, अच्छा माहौल देगी कांग्रेस पार्टी, ताकि इनको अच्छा माहौल मिले व्यापार करने के लिए। और जो भी इनको जिस तरीके से राहुल जी ने घोषणा की थी, अब भाई 3 साल तक 2 साल तक कोई भी हम एनओसी देने की जरूरत नहीं, छोटे उद्योग जो है वो लगा सकेंगे नौजवान हमारे। तो बहुत सारी और सारा एजेंडा है जो हम लेके आएंगे व्यापारियों के लिए, ताकि व्यापारियों को अच्छा माहौल मिले। कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको लेके उहापोह की स्थिति बनी हुई है, दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उनके खिलाफ लामबंदी की कोशिश की गई, इस पे क्या कहना चाहिए? ऐसा ही ये आलाकमान का मामला है, जो भी पार्टी फैसला करेगी, राहुल जी करेंगे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष करेंगे, तो सबको मान्य होगा। इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सेंटर लीडरशिप जो है वो इसमें करेगी। जिस प्रकार लोकसभा में पहले नंबर पर भाजपा रही है, कांग्रेस सरकार कौन से नंबर पर रहेगी विधानसभा में? कांग्रेस नंबर एक पे रहेगी, क्योंकि झूठा प्रोपगंडा, झूठे राष्ट्रवाद के नाम से, राष्ट्रभक्ति के नाम से जो चुनाव एक झूठी बातों के नाम से लड़ा गया, क्योंकि जो वायदे उन्होंने पिछली योजना में किए थे, जीते भी किए थे, चाहे कर्जा किसानों की कर्जा माफ़ी की बात है, व्यापारियों को अच्छा माहौल देने की बात है, दलित पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बातें हैं और 15-15 लाख रुपये की देने की बात है, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके बारे में 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने की बात है, उनकी बजाय ध्यान भटका करके विकास का कोई मुद्दा नहीं था इस चुनाव में और दूसरी बातों की तरफ इन्होंने ध्यान भटका करके वोट लिया है। परंतु कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और 36 बिरादरी को लेकर के चुनाव लड़ेगी। किसानों का सबसे पहले कर्जा माफ किया जाएगा और जो उनको जितनी भी, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उचित मूल्य जो है वो देने का काम किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। लोकसभा में संगठनात्मक ढांचा कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा था, बूथ लेवल पर भी कमजोर थी पार्टी, तो उस पर क्या कार्य किया? कार्यकर्ता बहुत जल्दी, हमारा संगठन मजबूत है, हर जगह पे हमारे बूथ पे आदमी खड़े थे और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और संगठन को खड़ा कर रहे हैं। हम हर गाँव में जाकर के, शहर में जाकर के संगठन के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अभी से जिम्मेवारी तय कर रहे हैं। थैंक यू।